में भाई वाकई में डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा वाकई में नीचे आ गई है। 150 मीटर नीचे यार, वाकई में कुछ भी कह लो ना, एक डर सा तो लगता है भाई। इसका जो बेस है ना, बेस भी इतना ऊंचा है कि दो बिल्डिंग तो उस पर बेस पे बन जाएंगी। देखो कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो मैं हूं इस दुबई में, दुबई में आज हमारा छठा दिन है। सुबह जो मैं गया था दुबई में, आज यहाँ पर डॉल्फिन शो था, बहुत ही शानदार। देखो दुबई में जो भी होता है ना वो नंबर वन ही होता है। तो आज जो हम जा रहे हैं ना दुबई फ्रेम देखने के लिए जा रहे हैं। दुबई में जितने मेन अट्रैक्शन है ना उसमें से एक है दुबई फ्रेम, उसको देखने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई सीन ये है कि ये जो जब हम रह रहे हैं ना, होटल हमारा ये बर दुबई है। बर दुबई जो है इंडिया के लिए, मतलब यहाँ के जो इंडिया के ना बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आपको इंडिया के ब्रांड मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फाइनली हमारी कार आ चुकी है, बैठ रहे हैं और चल रहे वाले हैं आज फ्रेम देखने के लिए, दुबई फ्रेम। पता है जब बहुत दिन हो जाते हैं ना एक रिलेशन बन जाता है। ये हमारे कार्तिक भाई हैं जो हमारे हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से ही है ना वो? कार्तिक भाई ठीक हो आप? एवरीथिंग इज फाइन। तो भाई अभी चल रहे हैं हम दुबई फ्रेम देखने के लिए। तो भाई ये पार्किंग है, यहाँ अपने गाड़ी खड़ी कर दी और यहाँ से इसकी एंट्री है, एंट्रेंस है, और ये आप देख रहे हैं दुबई फ्रेम। अरे बाप रे यार, क्या कारीगरी है यार, क्या करते हैं यार दुबई वाले। ये देखिए भाई, दुबई में जितने भी अट्रैक्शन है ना, जितने भी मेन अट्रैक्शन है उसमें से एक है ये दुबई फ्रेम। और बताना चाहता हूँ दुबई फ्रेम में जो ये आप दिख रहे हो ना येलो, ये टोटल गोल्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि 18 कैरेट का है, कुछ लोग कहते हैं कि उससे ज़्यादा का है, बहरहाल गोल्ड है पूरा का पूरा। और इसी के ऊपर हम जाने वाले हैं, और एडवेंचर यह है कि ऊपर शीशे में ना जब हम देखेंगे ना तो वो व्यू बहुत मज़ेदार होने वाला है। यहाँ से देख यार क्या व्यू है यार, ये पूरा ना पूरा सोने का है और इतना ऊंचा है ना, बहुत ही ज़्यादा कैमरे में कैप्चर करना इतना आसान। अगर दोस्तों मैं इसकी हाइट की बात बताऊँ ना तो ये 150 मीटर ऊँचा है ये, और जिसको हम करीब से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका टिकट मिलता है, टिकट जो है ना वो 52 दिरहम का है, और बट जो ऑनलाइन टिकट है जिनके लिए, बट डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं अंदर से। तो मैंने जो टिकट है ना वो ऑनलाइन ले लिया था, तो डायरेक्ट मैं एंट्री कर रहा हूँ अंदर को। तो ये ना इसके अंदर का व्यू है और काफ़ी स्पेस है। तो यहाँ से ना आप इसका देखिए कि कितनी ऊँची लग रही है, और दूर से ना बहुत, मतलब है तो ये ऊँची बट दूर से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत छोटा, जैसे फ्यूचर म्यूजियम की तरह। ये इसका बेस है, और यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि गर्दन कितनी ऊंची करनी पड़ रही है। ये देखो, अरे बाप रे, ये देखो, ये देखो। और जस्ट हमें सबसे ऊपर जाना है, और ये देखो शीशा देख रहे हो, खुला हुआ शीशा, वहाँ से ना हमें उस पर चलना है। ये देखो, और टोटल जो देखोगे ना इस पर टोटल गोल्ड लगा हुआ है, ये जो देख रहे हो ना इस पर टोटल गोल्ड लगा हुआ है। ये देखो, ये दुबई फ्रेम है। ये देखो भाई, इसका जो बेस है ना, बेस भी इतना ऊंचा है कि दो बिल्डिंग तो उस पर बेस पर बन जाएंगी। देखो कितना ऊंचा बेस है, और दूर से कैसा लगता है। ये देखिए, ये है दुबई फ्रेम, टोटल गोल्ड है भाई, गोल्ड। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गोल्ड पहनने के लिए मिलता है। ये देखो टोटल गोल्ड। पीछे जो देख रहे हैं ना ग्रीन स्क्रीन पर फोटो लेते हैं और उसका चार्ज होता है, और भाई यहाँ पर जो फोटो लोगे ना किसी का चार्ज 100 ड्रम से कम का नहीं है। तो भाई अभी हम ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ से जो है हम चलने वाले हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर ना मेरे हिसाब से आई थिंक ओल्ड दुबई को एक्सप्लोर किया गया है। अरे यार वाकई में यार दिल खुश हो गया है, पुराना कल्चर दुबई का। ये देखो पुराने घर दिखाए गए हैं। अरे वाह यार, पैसे वसूल गए भाई यार, क्या व्यू है यार। जो कितना प्यारा लग रहा है ना, तो इसकी दो साइड है, यानी ये साइड जो है जो ओल्ड दुबई है, जो दूसरी साइड से लेकर आऊंगा मैं वो होगा न्यू दुबई। 1978 में जब दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ओपन हुआ था।
भाई हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ ना जो लिफ्ट में देखने से भी डर लग रहा था बहुत ज्यादा। तो भाई यहाँ आ गए और अभी हम 150 मीटर ऊपर हैं और यहाँ से इस शीशे पे हमें चल के जाना है, यही एडवेंचर है। क्योंकि जब नीचे देखते हो ना तो वही सबसे बड़ा एडवेंचर बन जाता है। तो ये जो आए थे हम ओल्ड दुबई से आए थे, अभी जो हम जाएंगे न्यू दुबई में जाएंगे। तो भाई मैं अभी शीशे पे चलने वाला हूँ और मैं पहला पैर रख रहा हूँ। ओह भाई वाकई में डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा वाकई में नीचे आ गई। ये देखो वाह, अलग ही फील हो रहा है नीचे देखकर। नीचे जो है ना फ्रेम है एक्चुअल में इसका, ये देखो फ्रेम है भाई। कभी शीशा जो है गिर नहीं जाए। ओह भाई और उतर गई, ऐसा लग रहा है जैसे शीशा गिर नहीं जाए। अबे तेरी तो बहुत डर लगता है भाई रियल में। ये देखो वो पता जितने आगे को जाओगे ना तो शीशा का ओए 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 देखो कलर चला गया। अब आ जा वाकई में। तो ये जो है ना वो यहाँ तक है, आगे तक है, ऐसे चलना हमें। पता है ऐसा ऐसा लगता है, देखो डर तो होता ही है बट रियलिटी ये है कि ऐसा लगता है जैसा कभी शीशा गिर नहीं जाए, टूट नहीं जाए, ये फील होता है, बाकी कुछ नहीं है। 150 मीटर नीचे, ओए अचानक ही सस्पेंस क्रिएट होता है कि अचानक ही जो है ना इसका शीशा जो है, अचानक ही शीशा जो है इसका गिर जाता है। तो यहाँ पर जाकर ये फर्स्ट स्टेज जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए व्यू, यहाँ से आप जो है ना पूरी दुबई देख सकते हो। इधर भी दुबई देखोगे आप और ये देखो, और इधर भी आप दुबई देख सकते हो। दोनों साइड जो है आपको दुबई का व्यू मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो वाकई में यार क्या व्यू है यार, बहुत ही कमाल। अभी जो चलना है ना हमें सेकंड जगह चलना है, यहाँ पर जो है आपको चॉकलेट्स वगैरह जो स्नैक्स वगैरह है ना वो मिल जाता है। बट आपको पता है यहाँ पर देखो रेट देख सकते हो आप, मिल्क चॉकलेट 25 दिरहम 45 ग्राम। तो भाई ना अभी मैं दुबई फ्रेम के अंदर हूँ और यहाँ से मैं सेंटर में हूँ। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है दुबई के अंदर, कि किसी भी जगह पर जाओगे ना आप तो आपको वाईफाई जरूर मिलेगा, ये एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है हॉस्पिटैलिटी की। तो बीच में आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। अभी जो हम चल रहे हैं वो न्यू दुबई की तरफ चल रहे हैं, ब्रिज से होते हुए गिलास वाले। अरे बाप रे, यार बाकी में कुछ भी कह लो ना एक डर सा तो लगता है, पता वही डर यही होता है कि शीशा टूट नहीं जाए। 150 मीटर दूर देखियो कैसे लग रहे हैं लोग, छोटे छोटे लग रहे हैं, देखो कि बोने बोने से लग रहे हैं। ये देखो, ये देखो, अरे लग लग। ओ ये देखो देखो अभी यहाँ बंदा अचानक ही खुल जाता है। तो भाई फाइनली हमने ब्रिज पार कर लिया है और यहाँ भी थोड़ी सी जो है स्नैक्स वगैरह की यहाँ है। यहाँ से अब यहाँ भी लंबी लाइन लगी हुई है भाई उस साइड जाने के लिए। ये देखो यहाँ भी तीसरा शीशा है। ये देखो तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, सबको पता है ये शीशा है, सबको पता है कि कुछ नहीं होगा, ना ही टूटेगा, लेकिन एक फियर जो होता है ना वो हमारे शरीर के अंदर होता है और जितने निकल गया उस दिन इंसान टॉम क्रूज बन जाएगा। ये फिर होता है कि आदमी उतनी स्पीड से यहाँ पर नहीं चल सकता जो नॉर्मल फ्लोर पर चलता है। ये देखो
भाई यहाँ आना हमें लाइन में लगना है, तो लगे भाई लाइन में हम भी। तो भाई हम जो आ चुके हैं ना, ये न्यू दुबई में आ चुके हैं। अभी तक आपने ओल्ड दुबई देखी थी। अरे बाप रे भाई, क्या व्यू है यार, अलग ही बिल्कुल डिफरेंट है यार। यहाँ ये बताया गया कि फ्रेम को किस तरीके से बनाया गया, देखो ये किस तरीके से उठाया गया, उसके बाद ये किस तरीके से बनाया गया, ये ब्रिज है किस तरीके से लिफ्ट हो रहा है इसमें, फिर इसको किस तरीके से जो है ये तैयार किया गया, और वहाँ से आने के बाद फाइनलाइज जो तस्वीर आई है वो ये वाली आई है। लास्ट में फाइनल जो है वो ये हुआ है, किस तरीके से ये तैयार हुआ, ये देखो पूरा। अभी जो है हम यहाँ पर हैं, और उस समय जो हम यहाँ पर थे, इसकी जो लेंथ है वो 150 मीटर है। ये देखो ये इस तरह तैयार हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि वही जो रहता है ना फोटो है, उसे अपने फ्रेम में आप ले सकते हो, लेकिन रेट उतना ही होते हैं, 150 दिरहम यानी इंडिया के हो गए लगभग 3300-3400 रुपए के आसपास। मर्जी है लो या मत लो, ज़रूरी नहीं है। तो भाई दोस्तों फाइनली मैं बाहर आ गया, बाहर बहुत ही गर्मी है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना बहुत ही लाजवाब। तो सोने की परत कैसा आ रही है मुँह पर, प्योर सोना। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। एक्चुअली यहाँ अगर आप पूरा कल्चर जान जाते हो दुबई का, ओल्ड का भी और न्यू का भी, और सस्ता है, 52 दिरहम का रेट है। अगर आप ऑफलाइन लेते हो, ऑनलाइन टिकट लेते हो, तो 50 दिरहम का रेट है। और अब मैं ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। हाँ एक चीज़ और, फोटो खिंचाने के ना ये आपको जब देते हैं ना मोबाइल में, तो देते नहीं फोटो, तो ये 150 दिरहम या 200 दिरहम देते हैं। तो मैंने एक तरकीब से काम किया है, जब इन्होंने फोटो दिखा रहे थे ना, मैं तुरंत फोटो खींच लिया उसका, समझ गए कि ये बंदा भी चलाक है, तो उन्होंने डिलीट मतलब एकदम हटा लिया, लेकिन मैं जब तक फोटो खींच चुका था। तो ये मेरा फोटो आप देख रहे हो जो फोटो खिंचवाया था, इसके ये 150 दिरहम लेते हैं। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।